हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स और उसके अंदर में पढ़ना है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है, प्लस माइनस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में माइनस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या लगाते हैं, प्लस साइन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग, दैट इज ऊपर क्या आ रहा है कंसेंट्रेशन, कौन सा शब्द आ रहा है कंसेंट्रेशन, नीचे क्या आ रहा है बेटा जी टाइम, ठीक है, सांद्रता बटा समय। कंसेंट्रेशन को किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, सांद्रता, कंसेंट्रेशन दैट इज सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं हम मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, सांद्रता को व्यक्त किया जाता है मोल पर लीटर में, और समय टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है मिनट सेकंड, और हावर्स भी यूज कर सकते हैं सेकंड, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की मात्रा देखिएगा आर ओ आर बराबर सांद्रता, कंसेंट्रेशन की जगह लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम की जगह लिखेंगे अपन जो मिनट भी लिख सकते हैं एम, या आप ये भी यूज कर सकते हैं, और मोल पर लीटर सेकंड, ठीक है। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी जो कैसे इसको किस रूप में निकाल सकता है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये यूनिट होती है आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा जी। रेट ऑफ रिएक्शन की होती मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, टाइम की जगह मिनट का यूज कर सकते हैं और सेकंड का यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा हमें निकालना है रेट कांस्टेंट की यूनिट, देखिएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दैट इज के, कैसे निकालते हैं, माना कि सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार है, कोई अभिक्रिया है जो निम्न प्रकार है, ए कैपिटल ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी डी और कैपिटल डी, ये अभिक्रिया इसमें ए बी सी डी क्या होते हैं, ए बी सी डी इज स्टोइकोमेट्रिक नंबर, स्टोइकोमेट्रिक नंबर, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कैसे निकालते हैं, माना रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर x एंड b की पावर y, x और y। अब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है a b x y क्या है, a और b जो होते हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, a b c d और x और y मिक्स x और y कोफिशिएंट है, गुणांक राशि है, x और y का मान a और b के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अर्थात ये जो गुणांक है इनका मान, इन गुणांकों का जो मान होता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यह
यह कैसे निर्धारित किया जाता है? वेग नियम के आधार पर। जो इस पर डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल पर, प्रायोगिक निर्धारण द्वारा, प्रायोगिक निर्धारण द्वारा किया जाता है। अर्थात तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा के, इस के को बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट, कैपिटल ए एक्स बी एंड वाई। हमें यूनिट निकालनी है इसकी, के की यूनिट निकालनी है आपको, के का मात्रक क्या होता है वो निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं के का मात्रक, हमें रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक पता है, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स या मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, हमें इनकी मात्रक निकालना है के का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको के की यूनिट निकालनी है तो उसको ऐसे कह सकते हैं के बराबर रेट ऑफ रिएक्शंस अभिक्रिया का वेग डिवाइड बाय ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। के इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। देखिएगा हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट इस सब में ले सकते हैं अपन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। और यहां पर रिएक्टेंट है ए, रिएक्टेंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इसकी किस रूप में लिखेंगे, कंसेंट्रेशन किस रूप में लिखा जाएगा बेटा जी, कंसेंट्रेशन के रूप में लिखा जाएगा। ये जो मान होते हैं एक्स और वाई, तो इसको देखिएगा इसकी जगह इनको इस तरह से लिखते हैं के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन की पावर एक्स और कंसेंट्रेशन की पावर वाई, ठीक है। और कैसे लिखते हैं देखिएगा, के इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये जो एक्स प्लस वाई का मान होता है ये डिपेंड करता है रिएक्शन पर, तो एक्स प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे सिंपल एन। क्या यूज करेंगे बेटा जी, एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, एन का यूज करेंगे। तो के इज इक्वल टू होगा कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम गुणा वन अपॉन कंसेंट्रेशन एन, ठीक है। और कैसे लिखा जा सकता है इसको, कंसेंट्रेशन बेस बराबर है कंसेंट्रेशन, ऊपर ले जाइए वन माइनस एन, ऊपर जाएगा तो वन माइनस एन और ये कैसे हो जाएगा टाइम इनवर्स। कंसेंट्रेशन के इज इक्वल टू होगा कंसेंट्रेशन वन माइनस एन टाइम इनवर्स। अब आपको बताया कंसेंट्रेशन किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कंसेंट्रेशन किस पर किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल पर लीटर। तो कंसेंट्रेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर वन माइनस एन और टाइम इनवर्स, इस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू होगा मोल पर लीटर वन माइनस एन टाइम इनवर्स। टाइम को किसमें व्यक्त कर सकते हैं अपन, बताया था टाइम को मिनट या सेकंड में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिएगा
आप रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है ये डिपेंड करता है रिएक्शंस पर, रेट कांस्टेंट के की यूनिट डिपेंड करती है रिएक्शन पे कि कौन से ऑर्डर के रिएक्शंस है उस पे, हर ऑर्डर के रिएक्शन के हिसाब से रेट कांस्टेंट की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखिएगा बेटा जी, जैसे आप लोगों ने माना एन, एन की वैल्यू रिएक्शन रिएक्शंस एंड द यूनिट यूनिट ऑफ के का मात्रक निकालना है। अगर एन का वैल्यू, अगर एन की वैल्यू आपने जीरो ली, एन की वैल्यू आपने क्या लिया जीरो, जब एन की वैल्यू जीरो लेते हैं तो जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा जी, तो यूनिट ऑफ के क्या होगी, इस एन का मान जीरो आप यहां रखोगे तो क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट कितनी होती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। एन इज इक्वल टू आपने लिया वन, वन का मान यहां रखोगे वन माइनस वन जीरो, अगर किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है, वन के बराबर होती है। अगर वन माइनस वन इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आएगी तो इस पूरे की वैल्यू जो होती है वन के बराबर होती है। तो ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी यूनिट क्या होगी, केवल जस्ट टाइम इनवर्स। अब बात करते हैं एन का मान आपने रखा दो, एन की वैल्यू दो रखोगे तो यहां पर कितना आएगा माइनस, इस रिएक्शन को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। इसके लिए क्या यूनिट होगी बेटा जी, वन की जगह एन की जगह क्या रखोगे दो, तो माइनस में आएगा तो कैसे लिखोगे, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। इस तरह से आप और आगे एन की वैल्यू रखते जाइए और के की यूनिट अपन निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा जी, के की यूनिट डिपेंड किस पर करती है, एन की वैल्यू पर, इसलिए आपसे निकालते हैं। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, नेक्स्ट अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। आपने भी देखा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और भी हाई ऑर्डर की रिएक्शंस हो सकती है। तो हमें देखना व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। देखो माना कि निम्न, माना कि निम्न अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ए कैपिटल ए प्लस बी प्लस डी अपॉन डी, ए बी सी डी ये क्या कहलाते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ए बी सी और डी दीज आर नोन एज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं। अगर इस अभिक्रिया का, अगर इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो वो कैसे लिखा जाता है, प्रयोग द्वारा, प्रायोगिक विधि द्वारा इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, वो होता है रेट लो एक्सप्रेशन। इसका रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स
और b की पावर y। x और y क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक, दिस इज गुणांक, और इन गुणांकों का मान a b c d के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन गुणांकों का जो मान होता है, x और y का जो मान होता है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये प्रयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन है वो कैसे पता लगाएगा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन कैसे आता है, इस तरीके से आता है, एक्स और वाई और ए बी सी डी में कंफ्यूजन जरूरत नहीं, दिस इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज थ्योरेटिकली लिखा गया अपने। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा, तो जो एक्स और वाई होते हैं ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की ये कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन की ये पावर है, पावर घातांक। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सम ऑफ द पावर्स, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाए और उस अभिक्रिया का जो कोटि होती है उस अभिक्रिया वेग व्यंजक में क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग प्रदर्शन में क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों का जो योग होता है, क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग, वह उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि। अर्थात जैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, ठीक है। सम ऑफ द पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम द्वारा प्रदर्शित वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों का जो योग होता है वह उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है बेटा जी, कोटि कहलाती है। अर्थात जैसे इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। जैसे देखिएगा, जैसे कोई रिएक्शन है, एग्जाम्पल ए प्लस टू बी चेंज इंटू प्रोडक्ट, इसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है आपको, रेट लो एक्सप्रेशन, रेट ऑफ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा आर ओ आर प्रोपोर्शनल टू ए बी की पावर टू। तो यहां पर रिएक्टेंट ए के सापेक्ष एक पावर है, रिएक्टेंट बी के सापेक्ष दो पावर है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस इज इक्वल टू होता है 1 + 2 इज इक्वल टू यहां पर कितना होगा 3। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी 3, ठीक है। और एग्जांपल देखिएगा, a + 2a + b इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इसका रेट ऑफ रिएक्शंस ऐसे लिखा गया a की पावर b 1/2, ठीक है। यह प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है रेट ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है बेटा जी। इसका तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा गया a b की पावर 1/2, तो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2, ऐसा कितना होगा 3/2।
और देखिए रिएक्शंस, रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? जैसे इस रिएक्शन के लिए लिखा गया है, आप लोग कैसे लिखोगे? आर ओ आर प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिखा गया है। तो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा? 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस दैट इज 1 बाय 2। इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? ये और देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, CaCl3 प्लस HCl। जैसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपके सामने गिवन है, इसी रिएक्शन दे रखिए, इससे आपसे पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू कितना होगा बेटा जी? 3 बाय 2। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए रेट लो एक्सप्रेशन गिवन होना चाहिए, उसके आधार पर ही अभिक्रिया की कोटें निर्धारित की जाती हैं। अगर आपको रेट लो एक्सप्रेशन दे रखा है तभी आप उस अभिक्रिया की कोटी का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शंस, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। अर्थात अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अभिक्रिया की अणुसंख्यता। देखिए क्या होती है अभिक्रिया की अणुसंख्यता, किसी भी मूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणु परमाणु आयनों या मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, चाहे आयन हो, चाहे मूलक हो, उनकी जो संख्या होती है उसे कहा जाता है अभिक्रिया की अणुसंख्यता। ठीक है बेटा जी, अणुसंख्यता दैट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल H2+I2 चेंज इनटू 2HI। इस रिएक्शन की आपसे पूछिए मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी? 2। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिएगा,
जैसे C12S22O11। दिस इज कैन शुगर। कैन शुगर का आपने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया। हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या बनेगा, एक तो बनेगा ग्लूकोज, एक बनेगा आपका फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसकी अणु संख्या कितनी होगी, एम इज इक्वल टू। जैसे और एग्जांपल देखिएगा, 2FeCl3 प्लस SnCl2 चेंज इनटू प्रोडक्ट। इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, m इज इक्वल टू कितनी होगी, 3। तो अणु संख्या बिल्कुल सिंपल है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणु परमाणु या आयनों की संख्या को उस अभिक्रिया की अणु संख्या कहते हैं। थैंक यू।